जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित चैम्बर सभागार में सिंगून चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के टाटानगर रेल प्रबंधन के बीच संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम सीनियर डीसीएम और टाटानगर के एआरएम समेत चैम्बर के प्रतिनिधि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम में टाटानगर रेलवे स्टेशन में यात्रियों की ड्रॉप एरिया की सुविधा, पार्किंग एरिया के समतलीकरण, 3 एंट्री गेट 3 एग्जिट गेट समेत ट्रेन की सुविधाओं को बढ़ाने को लेकर बात किया गया और साथ ही रेलवे स्टेशन में जो भी सुविधाएँ हैं उनको दुरुस्त कैसे किया जाए इस पर भी चर्चा हुई और साथ ही रेलवे व्यवस्था को और कैसे सुदृढ़ किया जाए इसको लेकर बात की गई। देखिए, आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मेरा डिटेल इंटरेक्शन हुआ है और जैसा आप सभी लोग भी यहाँ पर थे, बहुत सारे सुझाव मुझे मिले हैं और मैं ये कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छे और बहुत दिमाग लगा के हमारे को सुझाव रखा गया है। मैं सभी सुझावों को बहुत ही बारीकी के साथ एग्जामिन करके हमारे ब्रांच ऑफिसर्स के साथ उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, सिंगम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लगातार इस क्षेत्र में जन सुविधाओं के लिए, व्यापार और उद्योग में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रयासरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज डीआरएम साउथ ईस्टर्न रेलवे पूरी टीम के साथ चैम्बर पधारे और हमारी बहुत सी सुझावों, बहुत से डिमांड्स को उन्होंने गंभीरतापूर्वक लिया है और हम लोगों ने जन सुविधाओं के मामले में हो, चाहे व्यापार के विकास में के मामले में, और जो भी सुझाव हैं या जो भी शिकायतें हैं या जो भी अन्य बातें वो त्रिस्तरीय है। मैंने उनसे कहा भी, एक डीआरएम साहब के स्तर से निराकरण करने वाली है, एक जीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे बोर्ड के तरफ से निराकरण करने वाले, एक रेलवे बोर्ड के अधीन बहुत सारे मामले हैं। तो डीआरएम साहब ने सभी मामलों को बहुत ध्यान दिया और सभी मामलों को एक्सेप्ट किया है कि आपकी सभी बातें मेमोरेंडम में जो है वो बहुत सही है, जो उनके स्तर से करना है उस पर वो शीघ्रतशीघ्र कार्रवाई करेंगे और जो रेलवे बोर्ड को और साउथ ईस्टर्न रेलवे जीएम को रिकमेंड करके अनुशंसा करनी है उस पर भी वो शीघ्रतशीघ्र कार्रवाई करेंगे और इनके रिकमेंडेशन के बाद हमारा चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल बहुत जल्दी जीएम साउथ ईस्टर्न रेलवे और रेलवे मिनिस्टर से जा करके मिलेगा ताकि हम लोग यहाँ की जो बड़ी मांगे हैं, चाहे टाटा से राजस्थान के लिए सीधी रेल सेवा के मामले में हो, चाहे टाटा नगर के क्षेत्र में रेलवे का कोई कोच स्थापित करने के मामले में हो या रेलवे कोई उपकरण यहाँ पर स्थापित हो ताकि यहाँ पर और व्यापार और उद्योग का विकास हो।